आज हमारे देश में महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रही हैं। आज वे शिक्षित और जागरूक होकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आज हमारे समाज में महिला शिक्षा के लिए ढेरों प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आज से 170 साल पहले लड़कियों की शिक्षा के लिए हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोलना भी पाप माना जाता था। तब 17 साल की सावित्री बाई फूले ने इस महिला विरोधी अमानवीय व्यवस्था को चुनौती दी। वह पुणे के गंजी पेट से भीड़ेवाड़ा तक महिला विरोधी व्यवस्था का मुकाबला करते हुए लड़कियों और शूद्रों को पढ़ाने जाती थी। उनकी वजह से आज देश के करोड़ों लोग, खासकर लड़कियां, शिक्षित इंसान की जिंदगी जीने के काबिल हुए हैं। 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्री बाई फूले भारत की पहली शिक्षिका और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थी। साल 1840 में सावित्री बाई फूले का विवाह ज्योतिबा फूले से हुआ। सावित्री बाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओं को शिक्षित बनाना। 17 साल की उम्र में सावित्री बाई ने दलित लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। तब उनके विरोधी रास्ते में उन्हें परेशान करने की कोशिश करते थे। वे उन्हें गंदी गालियां देकर अपमानित करते, तो कभी अपने घर से पत्थर फेंक कर मारते, तो कभी उन पर गोबर फेंक कर मारते थे। लेकिन सावित्री बाई इन सब का डट कर मुकाबला करती और वो रोज लड़कियों को पढ़ाने स्कूल जाती थी। सावित्री बाई एक कवित्री भी थी। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता था। अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर स्त्रियों के अधिकार और शिक्षा के लिए उन्होंने कई दिशाओं में काम किया, जो भविष्य में मील का पत्थर साबित हुए। साल 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर कई जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। एक साल में सावित्री बाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। सरकार ने उनकी इस सफलता को सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए साल 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि उस समय लड़कियों की शिक्षा पर सामाजिक पाबंदी थी। सावित्री बाई उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी, बल्कि उन्होंने दूसरी लड़कियों की भी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए सफल संघर्ष किया। साल 1897 को पुणे में प्लेग फैलने के दौरान सावित्री बाई लगातार मरीजों की सेवा में लगी थी। प्लेग से पीड़ित बच्चे पांडुरंग गायकवाड़ को लेकर जाते वक्त सावित्री बाई भी प्लेग से संक्रमित हो गईं और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे सावित्री बाई का देहांत हो गया। लेकिन सावित्री बाई के विचार आज भी महिला शिक्षा और समाज सुधार के हर केंद्र, इंसान और विचार के सशक्त प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी सावित्री बाई की लिखी कविताएं सामाजिक कुरीतियों को चुनौती देती हैं और उनकी बाल कविताएं बच्चों को शिक्षा का महत्व बतलाती हैं। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है सभी धन दौलत से, जिसके पास है ज्ञान का भंडार है वो ज्ञानी जनता की नजरों में। सावित्री बाई फूले।